अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग बढ़ा देता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना? कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। इतनी मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए, मैं बताता हूं। क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, जीवन या जो जीवन में पाया, यात्रा या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल? बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना। परंतु तनिक धीरज से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं सोचिए, मान, संतान, धन? नहीं ना। अंतिम लक्ष्य है परम आनंद, और ये अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का केवल एक ही उपाय, और वही आपका कर्म, वही आपकी यात्रा भी, और वही आपका प्रारब्ध भी है। और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है? वो है आपका मन, जो मस्तिष्क की भांति हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको ये बताता है कि शुभ किसमें, संसार का कल्याण किसमें, आनंद किसमें। यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके फलों को, सब को शुभ बना सकता है। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? इनका उड़ना, वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना?
इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है ना जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने? इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे? पहली बार वायु में उठते समय कितना भय लगा होगा इन्हें? अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी? इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें, उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं।